सरोकार। विधानसभा लुंड्रा में कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, कहा कांग्रेस महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की धरती के पहले नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस के संवेदनशील व्यवहार के कारण 555 नक्सलवादियों को ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता लगातार नक्सलियों के टारगेट पर है। एक महीने में 3 नेताओं की हत्या की गई। जांजगीर चांपा जिले में झोला छाप डॉक्टरों और अवैध क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। विधानसभा लुंड्रा में ग्राम पंचायत घघरी, गुजरवार, नौडीहा एवं रीरी में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम शामिल हुए। इसके साथ ही घघरी में प्राथमिक शाला और पंचायत भवन के बाउंड्री वॉल निर्माण कार्यक्रम का भूमि पूजन किया गया। साथ ही गाँव से आए अस्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में धौरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मार्तंड सिंह, जनपद सदस्य रत्नी देवी, जोन प्रभारी सोनू एक्का समेत कई लोग मौजूद रहे। सूरजपुर के रामानुजन नगर में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों में साफ सफाई रंग रंगो रोगन के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इसके साथ ही विकास खंड रामानुजन नगर के सभी स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए एक विशेष प्रोग्राम चलाया गया। इसी कार्यक्रम को लेकर सभी शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा रखी गई थी, जिसमें अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में जिला मजिस्ट्रेट भी मौजूद रही। उन्होंने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। के हमारे जिले में विकास खंड रामानुज नगर में कलेक्टर मैडम और हमारे बीओ साहब का एक अभिनव पहल है, बहुत अविस्मरणीय है कि हमर विद्यालय सुघर विद्यालय की परिकल्पना में सभी स्कूलों का अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग कराया गया है और वातावरण अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, उसके लिए एक प्रतियोगिता जैसा स्थिति निर्मित कराया गया था, माहौल निर्मित कराया गया था और विकासखंड स्तर की एक टीम ने सभी स्कूलों का निरीक्षण किया, पर्यवेक्षण किया और उनके जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वालों को आज पुरस्कृत किया गया कलेक्टर मैडम की उपस्थिति में। तो ये बहुत अच्छा काम हमारे विकासखंड शिक्षा कार्यालय की टीम ने किया है, बीओ साहब उनकी टीम ने किया है। हमारे विद्यालय सुगर विद्यालय एक बहुत ही महती योजना है रामानुज नगर विकासखंड की, जिसने एक योजना चला करके पूरे विद्यालयों का एक पेंट से पेंट कराया है, वहाँ के वातावरण को स्वच्छ किया है और इस उद्देश्य से कि वातावरण स्वच्छ होगा तो वहाँ पर अध्यापन अच्छा होगा। ये बहुत ही सराहनीय पहल है यहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी की, क्योंकि बच्चों को एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण यदि मिलता है तो बहुत उत्साह से पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनका शैक्षणिक स्तर सुधरता है और साथ ही व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास शिक्षा विभाग ने किया है और इस पहल के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। रायपुर में चल रहे राजे माघी पुन्नी मेले में देश के साथ ही विदेश के सैलानी भी पहुंच रहे। यहां विशाखापट्टनम से सड़क रास्ते फ्रांस के सैलानी पहुंचे। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति को नजदीक से जाना और देखा, बल्कि खान पान का लुत्फ भी उठाया। वहीं मेले में आए सैलानियों का मीडिया सेंटर द्वारा स्वागत किया गया। अकलतरा के बलादौ में पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्यवाही करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
रायगढ़ में कोतरा थाना के पास CSEB के गोदाम में आग लग गई। आग की लपटों को देखते हुए आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस विभाग और दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये आज लगभग 2:25 में खबर मिली कि स्टोर के पीछे साइड में जहाँ स्क्रैप का सामान रखा होता है वहाँ धुआं निकल रहा है। डी स्टोर ने तुरंत, डी स्टोर स्टोर कीपर है, उन्होंने तुरंत आके देखा तो यहाँ पे जो स्क्रैप मटेरियल है उसमें से धुआं निकल रहा है। और उसके बाद तुरंत उन्होंने मेरे को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को मैंने फिर मुनेर जिंदल और नगर निगम से रिक्वेस्ट करके फायर ब्रिगेड बुलाया और वर्तमान में स्थिति तो नियंत्रित हो चुकी है। इसका मुख्य कारण लग रहा है, कहीं दो कारण हो सकते हैं, या कि बाहर जो घर बना है ये सब सामने में वहाँ से किसी ज्वलनशील पदार्थ का कोई फेंका होगा, जैसे भी सिगरेट का वो या कुछ ज्वलनशील पदार्थ, एक कारण वो हो सकता है, या किसी की बदमाशी हो सकती है जो जिसने दुर्भावनावश ऐसा किया है। तो बदमाशियों का परीक्षण जो हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं उससे हम लोग अभी परीक्षण करके उसका ना उसका पता करेंगे और उस हिसाब से एक दो घंटे में अग्रिम कार्रवाई कर लेंगे। मामला तो अभी पता नहीं चल रहा है। जैसे हमको आग लगने की सूचना मिली तो हमने तुरंत हम अपने टीम को रवाना किए यहाँ के लिए, और यहाँ आते के साथ क्या आग बहुत ही भयंकर फैल चुकी थी और हवा का रुख भी, हवा तेज बहने लगा, इसके कारण से क्या हमको बुझाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि भाम जो हमें डाल रहे थे वो क्या उड़ जा रहा था। तो बड़े मशक्कत के बाद हमने क्या है यहाँ का आग को हम नियंत्रण कर पाए और अभी स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और पूरा यहाँ का स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, हम पूरे बुझ जाएगा तब हम अपने गाड़ी को यहाँ से रवाना करेंगे। ये CSEB का स्टोर रूम कोतरा रोड पे है, वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफार्मर रखे हैं, कुछ नए कुछ पुराने ऐसे करके। तो एक साइड में जो जिधर पीछे दिख रहा है एरिया अपना, उस इलाके में किसी अज्ञात कारणों से आग लगी और ट्रांसफार्मर में भी आग लग गया है, जिसका बहुत सारे फायर ब्रिगेड आए हुए हैं, उनसे अपन आग बुझाने का काम कर रहे हैं। आग क्यों लगी है ये जांच के विषय है, जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि किस कारण से आग लगी है। रायगढ़ के पुसौर क्षेत्र में NTPC से लोड होकर जा रही गाड़ियों को स्थानीय लोगों ने गांव से गुजरने नहीं दिया। बता दें कि बीती रात सड़क दुर्घटना के बाद गांव के बीच में से भारी वाहनों पर नो एंट्री के आदेश तहसीलदार ने दिए थे, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी के आदेश की अनदेखी करने पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं दर्जनों लोड वाहनों को रोके जाने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं अधिकारियों ने NTPC को इस कार्य के लिए फटकार लगाई है। ग्रामीणों से पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं लंबे समय से। इस रोड पे फ्लाई ऐश के वाहन यदि पीछे से ढंग से कवर्ड नहीं होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के समय, तो जो फ्लाई ऐश का डस्ट है वो रोड पे गिर जाता है और वाहनों के चलने से सूख के वो उड़ता है, जिसके कारण जो विजिबिलिटी है वो भी हैम्पर होती है, लोगों की आँखों में भी वो डस्ट जाता है और इरिटेशन होता है, और इसके कारण एक्सीडेंट्स के जो चांसेज हैं वो बढ़ते हैं। तो इस चीज़ की जाँच की जाएगी, ऐसा उनके द्वारा हमको कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जांच करेंगे और हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जॉइंट टीम आज यहां आई है। पूर्व में कई बार यहां पे गाड़ियों को रोक के हम कार्रवाई करने का प्रयास किया गया है, लेकिन गाड़ियां छूट गई हैं। यह रोड भारी वाहन के लिए, ओवरलोड के लिए इस रोड में नहीं जाने का लाभ है, क्योंकि यहाँ 3000 छात्र कम से कम हाई स्कूल पुसौर में 5 हैं और 3000 छात्र इसमें आवागमन कर, कभी भी बड़ा दुर्घटना घट सकता है, इसलिए हम चाह रहे हैं इस रूट में भारी वाहन ना चले। ट्रक वाले टोल टैक्स से हम थोड़ा डीजल बचाने के लिए बड़ा दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए सारे गाँव वाले एकत्रित होकर हम इसका विरोध करते हैं। जांजगीर चांपा जिले के वार्ड नंबर 18 में इशिका शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया कि इशिका शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी परिवार का ही करीबी निकला। बता दें कि बीते 13 फरवरी को घर के बिस्तर पर संदिग्ध हालत में शव मिला था। मामले की जांच के लिए कोतवाली पुलिस ने डॉग स्क्वाड व बिलासपुर जिले की FSL की टीम की मदद ली थी। आरोपी मृतिका को पूर्व से जानता था, उससे शादी करना चाहता था, उसको इस बात पे आपत्ति थी कि मृतिका कुछ और भी लड़कों से पहचान रखती है, उसका हमेशा विरोध करता था, इस बात को लेके दोनों में विवाद भी हुआ था, परंतु उसका ये कहना था कि मृतिका उसके बात को नहीं मान रही थी, लिहाजा उसने तय कर लिया था कि मुझे उसको रास्ते से हटाना है, और इसके लिए उसने अपने दोस्त की मदद ली।
प्लानिंग से उसने नीम की गोलियां खिलाई मृतिका को और उसके भाई को, और उसके उपरांत उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया है, पुलिस और भी साक्ष्य का संकलन कर रही है और इनको शीघ्र ही न्यायालय माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अंबिकापुर में पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्यवाही करते हुए दो स्कूटी चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक एसपी के निर्देशन में ये कार्यवाही की गई। बता दें कि बीते दिनों जिला अस्पताल से चोर स्कूटी को लेकर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।